अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी किरण सोनवणे। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील नूर खानदेश एज्युकेशन संस्था आणि जमिला जी मेमोरियल एज्युकेशन यांच्या वतीने महिलांसाठी मोफत शिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले। या शिलाई मशीन केंद्राचे उद्घाटन सोहळा नगर परिषदेच्या बांधकाम सभापती संध्या जितेंद्र पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला। या प्रसंगी नगर परिषदेचे माजी गटनेते महेंद्र बाविस्कर, आत्मा समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र पाटील, पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे यांच्यासह नगर परिषदेचे सन्माननीय नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم खरोखर आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। जामनेर आणि खानदेशातील आपल्या मातृभूमीला न विसरता मुंबई शहरामध्ये जाऊन आणि एवढ्या भव्य मुंबईमध्ये आपल्या खानदेशातील लोकांना हेरून एक ट्रस्ट स्थापन करून आणि त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आपलं काही आपल्या मातृभूमीशी देणं लागतं त्या हेतूने या सर्व मंडळींनी या ठिकाणी या खानदेशातील जनतेला सेवा देण्याचा व्रत या ठिकाणी घेतलेला आहे। खरोखर आनंद आहे की अल्पसंख्याकांचा जर विचार केला तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते आजच्या तारखेला
आदर कालच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर ते मागे आहेत. आणि एक चांगलं पाऊल या ठिकाणी या ट्रकच्या माध्यमातून घेतलं आहे की आपला समाजातील महिला विद्यार्थी तरुण यांनी आपल्या समाजासाठी सोबतच आपल्या देशासाठी काहीतरी काम करायला पाहिजे म्हणून या ट्रस्टने आज या ठिकाणी हे काम हाती घेतलेलं आहे. खरोखर कौतुकास्पद आहे आणि मी आजपर्यंत कधी बघितलं नाही की मुस्लिम महिला एवढ्या प्रमाणामध्ये एखाद्या कार्यक्रमाला येऊन बसतील म्हणून. आणि खरोखर या ठिकाणी आनंद वाटला की या ट्रस्टने जे काम आणि जो हेतू डोक्यामध्ये ठेवलेला आहे त्या हेतूचं प्रामाणिक मत परमेश्वराने या ठिकाणी होऊ घातलेलं आहे आणि अल्लाह ताआलाच्या आशीर्वादानेच खरोखर या ठिकाणी या महिला आपल्या या शिक्षणाच्या माध्यमातून जे शिक्षण या ठिकाणी या ट्रस्टच्या माध्यमातून देऊ केलेलं आहे त्या माध्यमातून शिकून आपला परिवार नक्कीच चांगला सुदृढ होईल, सुशिक्षित होईल, आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ होईल. यात थोडा फार का होईना पण नक्कीच हातभार लागेल. आणि मी खरोखर मला आनंद वाटला की जामनेर शहरात खूप काही करोडपती लोक आहेत मुस्लिम समाजामध्ये, परंतु आपल्या मातीशी काही लिहिलं लागतं, आपल्या मातीने जे आपल्याला लिहिलेलं आहे ते मुंबईत जाऊन न विसरता आपल्या खानदेशातील या व्यक्तींनी या ठिकाणी या पद्धतीने ज्या पद्धतीने ही ट्रस्ट स्थापन केली आणि त्या माध्यमातून आमचे फारुक भाऊ असतील, इंजिनियर श्री बेग श्री खान असतील, श्री बासित खान असतील, हे संपूर्ण मंडळी आणि सोबतच आमचे मंसुरी साहेब यांचं तर करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे. एक छोटीशी छाणा खूप संघर्षातनं चालू आहे, संघर्षातून मुद्दा म्हणेल मी, कारण त्यांना बऱ्याच गोष्टीची अडचण येते. मग ते कॉम्प्युटर मारायला गावात फिरतील, कारण या गोष्टी मुद्दा म्हणून उद्देशल्या पाहिजे, सांगितल्या पाहिजे की ते काय करतात आणि त्यांना आपणही सगळ्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे. मागे पण मी भेट दिली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आमचं सगळं आमच्या ट्रस्टचे सदस्य आमच्या या शाळेमध्ये आहेत आणि त्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी काम हातात घेतलेलं आहे. खरोखर अभिमान वाटतो की अशाच पद्धतीने जर पूर्ण समाजातील प्रमुख लोकांनी की ज्यांच्याकडे खूप काही देण्यासारखं आहे, फार काय लागणार आहे परंतु देण्याची दानत पाहिजे, कोणाकडे नाहीये परंतु त्या ट्रस्टची दानत आहे. साधारणतः 5 ते 7 हजार रुपये ट्रेनरला भाडा पगार या ठिकाणी द्यावा लागेल, या रूमचं भाडं जाईल, या मशिनरी जातील, होऊन किती खर्च होईल, परंतु आज त्या माध्यमातून या महिलांच्या परिवाराला एक वेगळी दिशा दिली आहे. खूप काही खर्च होतो परंतु योग्य रीतीने खर्च केला पाहिजे या ठिकाणी, या ठिकाणी हा मार्ग ट्रस्टने या ठिकाणी घालून दिलेला आहे. आणि खरोखर आमच्या सर्वांच्या वतीने आमच्या नगरसेविका आहेत बांधकाम सरस्वती माझ्या ताई संध्याताई आणि सर्व नगरसेविका सोबत आहेत, आम्ही सगळे नगरसेवक आहेत, मी त्या ट्रस्टला विनंती करेल की आम्हालाही जर काही योगदान देता आलं तर आम्ही आमचे गिरीशभाऊ महाजन जर सभामंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या ट्रस्टला काय माध्यमातून मदत करता आली तर आमचा खारीचा वाटा काय होईना, तर आम्ही मदत करू. आमचेही मुस्लिम नगरसेवक आहेत, त्यांनाही आम्ही तुम्ही सोबत घ्या, हेही नक्कीच पॉझिटिव्ह विचार करतील. सोबत नुसते नगरसेवकच नाही तर इतर खूप काही लोक आहेत की त्यांची करण्याची इच्छा आहे पण त्यांच्याकडे काम काढून घेता आलं पाहिजे, तर ते कामही तुम्ही तुमच्या पद्धतीने काढून हेरून अशा लोकांना जोडा. नक्कीच मला अभिमान वाटतो की या महिला याच ठिकाणी आल्या, ओपनली आल्यात आणि आज ट्रेनिंग घेण्यासाठी आल्यात. भविष्यातही आपण कॉम्प्युटर तरुणांसाठी कॉम्प्युटर अशी व्यवस्था आहे, शिक्षण संस्था असतील शिक्षण संस्थेमध्ये काही सुविधा देता आल्या तर त्या द्याव्यात. आणि आमच्याही तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा आहेत, आम्ही तुमच्या सोबत आहेत. नक्कीच हे ईश्वरी कार्य आहे, ईश्वरी कार्य कधीच बंद पडणार नाही, हे वाढतं राहील, या शुभेच्छा मी देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. कार्यक्रम मे सश्रीफ लाईव्ह हे गटनेता माननीय श्री नानाभाऊ बावळकर सर अभी तक बैठे थे अपने जामनेर एजुकेशन सोसाइटी के सचिव जितु पाटिल सर, सन्माननीय नगर सेविका मैडम, नगर सेवक रिजन भाई खलील बांजा, लियाकत पत्रकार हमारे परम मित्र लोकमत के, यहाँ सब बैठे हुए बुजुर्ग बॉम्बे से आए हुए सब अपने जामनेर के मेहमान, मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ.
और इस प्रोग्राम की बहुत दिल से सराहना करता हूँ कि समाज के उन घटकों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है जो घटक आर्थिक उन्नति से पीछे है, उनको भी जीने का हक है, उनको भी अपने शरीर का सुख चैन की अपेक्षा है, मगर कुछ वजह से हमारे भाई बहन हमारे समाज के कुछ लोग पीछे रहते हैं और हम आगे चलते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे पीछे जो भाई बहन है उनको भी आप साथ में लेके चलो। जिंदगी में आप दौड़ते जाएंगे कमाते जाएंगे और जब मौका आएगा सब आखिरी में जाएंगे तब पीछे देखेंगे कि भाई अकेला दौड़ते गया, मेरा सब परिवार मेरा गांव मेरे समाज पीछे छूट गया, फिर तब पता चलेगा कि कुछ मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। मैं इस समय जो सोसाइटी के सदस्य है उनका बहुत शुक्र दिल से आदर करता हूँ कि मिट्टी के वतन से उनने अपना ईमान कायम रखा है। मैंने देखा है कि गांव छोड़ने के बाद में गांव को भूल जाते, गांव को तो छोड़ो अपने माँ बाप को भूलने वाले लोग मैंने देखे, मगर यही है अपने एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य जो गांव छोड़ने के बाद में भी गांव से ईमान है, अपने समाज से अपने वतन से ईमान है कि मेरे समाज के भी मेरा समाज का कुछ लेन देन मुझे चाहिए। भाइयों खुशी के लिए तो सब जीते हैं, सब मैं जीता हूँ आप जीते हो, खुशी किसको नहीं चाहिए। मैं मेरी खुशी मैं खुद हासिल करता हूँ, वो कौन सी भी माध्यम से हो, पैसे के माध्यम से हो या और कोई पद से माध्यम से हो, और मेरे परिवार में खुशी से मैं जीता हूँ। पर मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर खुशी आती है, मेरी वजह से किसी के परिवार में खुशी आती है तो वो खुशी निरंतर जिंदगी में चलती रहती है और वो खुशी कामयाब रहती है। ऐसी खुशी अपने इस सोसाइटी के मेंबर्स ने पाई है, ये बहुत सराहनीय बात है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा, पर जिंदगी में हर एक का मकसद है, हर एक में कर्तव्य है कि जो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछले समाज के अपने बंधु है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं एक इस प्रोग्राम में एक शेर अदा करता हूँ, मिली है जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली है जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मगर बितरी है कागज के टुकड़े कमाने के लिए, मगर बितरी है कागज के टुकड़े कमाने के लिए, क्या करोगे इतना कमान कर कफन को जेब नहीं होती और कमबख्त मौत रिश्वत भी नहीं। थैंक यू एक बार और ये सोसाइटी के सभी मेंबर को अपने जामनेर के सब नगरी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं भी ये जामनेर नगरी का सदस्य हूँ और हमारे जामनेर शहर के जो लोगों के लिए आपने सराहना काम किया है वो वाकई तालीम है। मैं एक बार सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। और आज जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे नवाजा है, उसका पूरा क्रेडिट मैं आके न्यू स्कूल को देता हूँ और वो स्कूल की जो एहसानात है, वहाँ के टीचर्स लोगों के जो एहसानात है, उसकी कुछ उतराई के लिए मैंने यहाँ पर अपनी स्कूल शुरू किया हूँ सर। यहाँ पर अम्मी के नाम से स्कूल है, वो चलती है। तो जहाँ तक जामनेर का ताल्लुक है तो यहाँ पर गिरीश महाजन साहब की सरपरस्ती है, इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है जो आज नेक्स्ट सीएम अगर फडणवीस साहब के बारे अगर किसका नाम लिया जाएगा तो वो गिरीश महाजन साहब है, बिल्कुल। और आज आपने देखा कि लोकसभा के अंदर जो इतने अक्सरियत में ये लोग हैं उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है उनका, उनकी बहुत मेहनत है। तो उनके सरपरस्ती हमारे यहाँ हमारे खुशनसीबी है क्या कि इतना अच्छा नेता हमको मिला है, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए। जब हमारे मसले हम उनके पास लेके जाएंगे वो जरूर हल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर हम हमारे मसले ही नहीं ले जाएंगे उनके पास तो हल कौन करेगा। आज गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं, शासकीय योजनाएं इतनी है, लेकिन क्या करें हमको उसका पता भी नहीं है। और जो गवर्नमेंट के अफसर है ना, ये भी बहुत कोशिश करते हैं लोगों तक जाने की, लेकिन वो गवर्नमेंट के अफसरान को भी हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो काम कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें वो चीज़ आना चाहिए कि हमारा हक क्या है, आज गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, वो जानकारी हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो कब होगा, जब तहसीलदार साहब है, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब है, जब इनसे हमारा रास्ता रहेगा, उनको हम पूछेंगे भाई और क्या क्या हो, तो वो तो हमारी सेवा के लिए तत्पर है हमेशा, वो तो हमारी खिदमत के लिए हमेशा तत्पर है, तो उनका क्या फायदा जरूर उठाएगा। और यहाँ के एक तबका ऐसा है असरत सर, या माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके मतलब पैसे से रेले से उनके व्यापार से बहुत अच्छे हैं,
तो अगर मैं ये चाहता हूँ ये कारवा में और यानी 100% शरीफ होंगे, मुझे पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। आज शायद वो लोग यहाँ पर नहीं भी होंगे, नहीं भी होंगे, उनको जब पता चलेगा क्या इतने अच्छे ट्रस्ट अपने बेग साहब के सदारत में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हसरत सर के सदारत में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग 100% हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका पूरा यकीन है मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं सब यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। और ज्यादा तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं पहली बहुत लेट हो चुका हूँ और ऐसा कुछ पॉइंट मेरे सामने रखे भी नहीं है कि जिसमें मैं बात करूँ। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया और हमारे साथ इस कारवा को आगे बढ़ाना, जब तक आप हमारे कारवा में शरीक नहीं होंगे हमारे हम मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल यह है कि आप लोग आगे बढ़ो, आप लोगों को उजागर हो जाओ, आपकी गुर्बत दूर हो जाए, आपके हाथ में हुनर आ जाए, आपके हाथ में शिक्षण आ जाए। ये जब आपके हाथ में आएगा तो आपको दुनिया के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने खुद मुख्तार हो जाओगे, खुद मुख्तार हो जाओगे, खुद कमाओगे। और वो खुशी सबसे बड़ी है कि जब इंसान खुद कमाता है, खुद मुख्तार बनता है और वो चार लोगों को पालता है, इससे बड़ी खुशी क्या है सर, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं इतना बोल के अपने दो लफ्ज खत्म करता हूँ शरीफ भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा खुशी का मकाम है कि जामनेर के ताल्लुके में आज के दिन ये प्रोग्राम अंजाम दिया गया। मैं यहाँ के तमाम अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया उसको मेरी तरफ़ से और नूर खानदेश की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ये कदम हमने पूरे खानदेश के लिए उठाया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जामनेर ने भी जो है वो शिरकत कर ली है और सिलाई मशीन से इसके शुरुआत हुई है। अब आगे इंशाअल्लाह इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन का इंतज़ाम भी बहुत जल्दी होने की उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो है ये काम भी अंजाम दिया जाएगा। पुनः भेटू तो पर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।